करता हूँ उसके लिए, रुक रुके रुके रुके। मैं उसके लिए शूट कर रहा हूँ। यस, मैं राखी सावंत पर एक फॉर्मल कंप्लेंट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि उसकी हरासमेंट वापस से शुरू हो रही है। बिकॉज एक ऑडियो अभी आया था हमको 3:30 बजे, हमको 3:30 बजे एक ऑडियो आया था, ये बोल के आदिल और अनुष्की दत्ता के ऊपर मैं कुछ करने, जहाँ पे उसने क्लेम किया है कि वो मुझ पर और आदिल पर FIR करेगी और सपोर्टिंग आदिल इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि राखी सावंत ये 2018 नहीं है और मैं 2018 की अनुष्की दत्ता की नहीं हूँ, ठीक है। मैं तुझे भस्म कर दूँगी, तूने अगर वापस ड्रामा शुरू किया ना मेरे साथ, तो मैं तो तेरा जो हाल करूंगी ना, मैं तुझे पूरा सनातन याद दिलाऊंगी। तुझे अगर लगता है कि इसके ऊपर सारे एलिगेशंस लगा के तू ये सब कर सकती हो, तू मेरे साथ भी कर सकती है, यू कैन नॉट डू दैट टू मी, ओके। मैं फॉर्मल कंप्लेंट, अब 2018 का जो मैटर था, राखी सावंत ने अपोलॉजी भी मांगा था, मेरे पास वो भी वीडियो है, वो भी प्रूफ है कि राखी सावंत ने खुद अपोलॉजी वीडियो डालकर एडमिट किया है कि उसने मेरे बारे में सारी झूठ झूठ बातें बोली एंड उसने मेरे को क्रिमिनल इंटिमिडेशन और थ्रेट भी दिया था। उसने वीडियो में बोला था कि मैं तेरे घर के अंदर घुस के तेरे को मारूंगी एंड आउटरेजिंग अ वुमन्स मॉडेस्टी। इतनी धाराएं लगेंगी ना तेरे ऊपर राखी सावंत कि तू धाराएं गिनते गिनते तेरे बाकी के बाल भी झड़ जाएंगे, समझी? अभी तो थोड़े बाल झड़े हैं, पूरा मुंडवाएगी तू अपना सर। इतनी धाराएं तेरे ऊपर लगेंगी, तेरे ही वीडियोस, तेरे ही 15 वीडियोस तूने बनाए हैं ना मेरे ऊपर, उसमें सारी धाराएं, वी हैव फिगर्ड आउट सारी धाराएं। तू कदम मत रख यहाँ पे ओशीवारा पुलिस स्टेशन और मेरा नाम तुम जबान से मत ले, वो सारी धाराएं मैं तेरे पे चिपकाऊंगी और वैलिड है और तूने अपोलॉजी वीडियो भी बनाया है, सो यू आर गिल्टी एंड यू विल गो टू जेल। आई विल सेंड यू टू जेल फॉर ऑल योर क्राइम्स। तूने पैदा होने के बाद से आज तक कि तूने जितने भी गुनाह किए हैं ना, जितने भी क्राइम किए हैं, सारे क्राइम्स के लिए मैं तेरे को जेल भेजने वाली हूँ। गड़े मुर्दे, ठीक है, अब तेरे गड़े मुर्दे निकलेंगे पूरे वर्ल्ड में, दुबई से लेकर कहाँ से लेकर, तूने जितने भी आदमियों को तूने फ्रॉड किया है, जितने भी शादियाँ की हैं, जितने भी लोगों के पैसे लूटे हैं, जितने भी सुसाइड करवाए हैं ना, मैं सबको खड़ा कर दूंगी, वो सारे धाराएं लगाएंगे तेरे ऊपर। तेरा काल आ गया है, देख मुझे ध्यान से, देख इस चेहरे को, तेरा काल है, तेरा काल, समझी क्या? तेरे को क्या लगता है कि मैं 2018 में बात अलग थी? अगर सामने वाला कुछ कर नहीं रहा है ना, उसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, उसका मतलब ये है कि तेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें। तू कुछ नहीं है, इसे तेरे साथ ना कोई भिड़ना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम विथ यू एंड दैट इज वाई आई डिडंट। तूने तो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी थी, फुल मीडिया के सामने तूने माफ़ी मांगी थी, मेरी गलती हो गई थी, तेरे को माफ़ करना। तू जैसे शैतान को ना माफ़ नहीं किया जाता, तू जैसे शैतान को भस्म किया जाता है, और आज मैं वचन देती हूँ और मेरी कही हुई वाणी सत्य होगी, मैं तुझे जेल भेजूंगी और भेज के रहूंगी। और सबसे पहले ना मेरे एडवोकेट्स के बारे में बोलना मत करो, तुम आके उनके पैर पे गिर के उनसे भीख मांग रही हो, मेरे एडवोकेट तो तुम्हारे पास नहीं आए थे, तो स्टॉप टॉकिंग अबाउट देम आल्सो। देरी है कि वो मेरे अगेंस्ट FIR करेगी और सपोर्टिंग आदिल खान दुरानी, उसकी इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत कि वो मेरे बारे में 2018 में गंदे गंदे वीडियोस सारे सब कुछ करने के बाद, थ्रेट करने के बाद, मुझे क्रिमिनल इंटिमिडेशन हरासमेंट करने के बाद वो मुझे धमकी दे रही है कि वो मेरे पर FIR करेगी। राखी सावंत, तेरा टाइम खत्म हो गया है, तेरा काल आ गया है, ठीक है। तेरे सारे ड्रामे, तो ज़िंदगी भर तूने जितने ड्रामे किए हैं ना, जितने गुनाह किए हैं, जितने क्राइम्स किए हैं, अब वो सारे क्राइम्स पब्लिक के सामने आएंगे। और तू जो इतना सोचती है ना, बॉलीवुड के सारे लोग, अब इंडिया के सारे लोग, बॉलीवुड के सारे लोग, हर कोई तेरे से किनारा करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अब सामने आने वाले हैं,
तूने कहाँ कहाँ फ्रॉड किया, तूने कहाँ कहाँ धोखे दिए, तूने कहाँ कहाँ आदमियों को फंसा कर उनका पैसा लूटा, फ्रॉड किया, सुसाइड करवाया, सारे आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पर, और सारे गवाह और सबूत और सारे आदमी सारे लोग, अब इतना सैलाब आएगा ना तेरे ऊपर, अब तू देख तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की कि तू मेरे पे एफआईआर करेगी। क्या चीज़ का एफआईआर? तेरे को बुढ़ी चुड़ैल बोलने के लिए? तू है बुढ़ी चुड़ैल, तू सबसे ज़्यादा बुढ़िया चुड़ैल है जो यंग लड़कों और लड़कियों को खा जाती है, समझी? तो तू अब जा, तुझको जो करना है कर। अब मैं इंडिया में ही हूँ, ठीक है, अब मैं इंडिया में ही हूँ, मुझे फुर्सत ही फुर्सत है तेरे से लड़ने की, तेरे को मैं हराऊंगी, तेरे को मैं घुटनों पे लाऊंगी, तू घुटनों में आएगी, और तू जो जितने धर्मों का तू ड्रामा करती है ना, तू सच में अपने घुटनों पे आएगी भगवान, तो अब भगवान के पास तू जाएगी घुटनों पे जेन्युइनली, तेरा ड्रामा खत्म होगा, यू जेन्युइनली नाउ आस्क गॉड फॉर हेल्प। ओके, तू देख बारिश हो रही है। ओह सॉरी, रील कैसी लगी? थैंक यू, काफी प्यारे रिएक्शन थे आपके।